मैं फाइल्स को कमरे में ले जाती हूँ। एक से मैं देखूं। लगता अंदर से लॉक हो गया है, किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा। कभी सॉरी, वो किसी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो से शो हो जाएगा, इसीलिए रोका मैंने तुम्हें। फाइल्स। हाँ फाइल्स, हम यहीं पे काम फिनिश करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से चेक करते हैं। कर सकते हैं। सुनो, इसमें एक फाइल होगी, मुझे देख। ठीक है। Yeah, it's fine now. मानो। ठीक है। क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? रो भी नहीं सकता क्या मैं? मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कभी जैसे लड़कों के लिए हम जैसे लड़कों के साथ क्या करती। बहुत नाइंसाफी है रे। चुप, बिल्कुल चुप, वरना एक थप्पड़ मारूंगी खींच के। मारो मारो, अरे कम से कम एक निशान तो होगा मेरे दिल में, तुम्हारी यादों का। क्या सोचा था, कबीर के कमरे में आऊंगी, पूरी रात उसके साथ बिताऊंगी। कहां फंस गई इस लूजर के साथ? कुछ कहा तुमने? काम खत्म हो गया। हाँ पूजा, वो तुमसे कुछ कहना था मुझे, वो हमारे हमारे डाइवोर्स। हाँ सही हो रहा है सब, अच्छा ही हुआ, हो रहा है सबके लिए, यही ठीक है। मतलब ये खुश है डाइवोर्स से?
तो फिर मैं ही क्यों परेशान हो रहा हूँ? तुम्हारे लिए यही अच्छा है कबीर, इसके बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू कर पाओगे। लगता है कबीर अंदर फंस गया टाइप से, वे निकालती हूँ। अरे आप, अरे अच्छा हुआ आप आ गई, मैं कब से यहाँ फंसी हुई थी पता है? ओ माय कृष्णा, तू? अरे वो सब छोड़, चंदा टाइप्स को ये बता कि तू कबीर के रूम टाइप्स में कर क्या रही थी, वो भी इतनी रात को। ओ माय कृष्णा, चंदा टाइप्स का सवाल चेंज हो गया, अब ये बता चंदा टाइप्स को कि तू इतनी रात को क्या कर रही थी इस जमूरे टाइप्स के साथ। और सुन, ये इतना बर्बाद टाइप्स क्यों दिखाई दे रहा? वो इसे डर लग रहा था कहीं कबीर इसे सजा ना दे दे, इसने कोई फाइल्स मंगवाई थी ना, तो इसीलिए इसे डर लग रहा है। अब मैं तो यहाँ मोमबत्ती लेने आई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। एनीवे छोड़ो ये सब, कबीर अभी स्टडी रूम में है। चंदा टाइप्स को लगता है कबीर अभी स्टडी रूम टाइप्स में ही है शायद। रानी, मैं भी जा रहा हूं। ओ माय कृष्णा, अरे इतनी रात को इस कमरे टाइप्स में कर क्या रहे थे दोनों? दरवाजा अंदर से बंद है, कहीं दीदो अंदर नहीं है? देखिए ना, ये खोल नहीं रहा है। ओ माय कृष्णा, रुक, चंदा टाइप स्टडी करती है। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? वो हम सोच रहे थे इतनी रात को तुम अंधेरे में अकेले काम कर रहे हो, तो हम कुछ हेल्प चाहिए, मतलब मेरा काम है, हैंडल कर लूंगा मैं इसे। थैंक यू। आप भी ना, क्या जरूरत है ऐसे कबीर को डिस्टर्ब करने की? हेलो, चंदा टाइप्स को तूने ही तो कहा था कि कबीर। चलिए 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 चलिए। चाची, जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ 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 बेटा, जरूर, बाय, गुड नाइट टाइप्स, एंजॉय द वर्क। अरे पूजा, बाहर आ जाओ, वो लोग जा चुके हैं, दरवाजा भी अब खुल चुका है, तो तुम अब बाहर जा सकती हो। काफी देर से उठती हूँ, बहुत देर से तुम्हारे लिए चाय लेके बैठा हूँ। सोच तो रहा था तुम्हें उठाऊं, लेकिन तुम्हें सोता देख के मन नहीं किया। सच बताऊं, सोते वक्त काफी खूबसूरत लगते हो तुम।
कभी इसमें सारे पैसे। ओह माय कृष्णा, अरे चंदा टाइप्स का इतना सारा पैसा टाइप, सूटकेस भर के पैसा टाइप, ये इस बंदे टाइप्स को एमी टाइप्स दिए जा रही है। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? वो मेरे ऑर्फनेज के लिए। अच्छा, ये पैसा ना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, तो इसीलिए किसी को देने से पहले हमसे परमिशन लो, तू ये बांटती नहीं फिर सकती हो। मैंने दी थी परमिशन। भाई साहब जाइए पैसे लेके। भाई लेकिन वो कहा ना, मेरी और पूजा की बात हो चुकी है, एंड ऑफ डिस्कशन। कबीर तुमने झूठ क्यों बोला? हमारी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। ना तो तुम्हारे पैसे, अपने पैसे खर्च करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, और वैसे भी ये अच्छे काम के लिए। इतना पैसा किसी से बगैर पूछे दे दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अनाथालय को दिया है, पर बर्दाश्त तब किया जाएगा जब ये पैसा अनाथालय तक पहुंचे भी। मुझे तो लगता है कि इस घर से जाने से पहले ये लड़की सारा पैसा बटोर कर ले जाना चाहती है अनाथालय के नाम पर। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए ना, चल के खुद देख लीजिए। मुझे दोबारा इन लोगों को धोखा मत देना। माँ मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं कह तो रही हूँ, चलिए अपनी आंखों से खुद देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पूजा तुम बार बार खुद को जस्टिफाई क्यों कर रही हो? जब किसी को बिलीव करना ही नहीं है तो फिर क्यों? आप कौन? जी हम अनाथालय से आए हैं। एक घंटा पहले पूजा जी ने ये सूटकेस देकर किसी आदमी को भेजा था। हाँ भेजा था, तो क्या हुआ है? मैडम देखिए, पैसे की जगह इसमें कागज भरे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? वो मेरी ऑफिस, वो आदमी कहाँ है जो आया था पैसे लेने के लिए? कौन सा आदमी मैडम? अनाथालय से तो हमने कोई भी आदमी नहीं भेजा था पैसे लेने के लिए, बल्कि हम तो खुद ही आ रहे थे पैसे लेने। तभी पूजा मैडम के ऑफिस से कोई बंदा आया ये सूटकेस देने, कहा इसमें डोनेशन है। मेरे ऑफिस से? आप उस आदमी को बुलाइए, उसने मुझे खुद कहा था कि वो अनाथालय से आए, तभी तो मैंने पैसे दिए थे उसे। अरे आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने पैसे दिए थे, ये पता नहीं पेपर्स। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, भरोसा कीजिए मुझ पे। देखिए मैडम, आपने बहुत कुछ किया है हमारे अनाथालय के लिए, हम आप पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपके साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकते, हमें माफ कर दीजिए। कबीर अब और कर ले तो इसकी तरफदारी। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये लड़की अनाथालय के नाम पर हम सबको धोखा दे रही है, इस घर से जाने से पहले ये सारा पैसा बटोर लेना चाहती है, लेकिन मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा। वो आदमी भी इसी का होगा, इसी ने उसको कहा होगा अनाथालय के नाम पर पैसा बटोर कर ले जाने के लिए। क्यों करूंगी ऐसा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसों में। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। वो आदमी दीने नहीं, मैंने भेजा था। अब सबको लगेगा कि दी ही चोर है। कबीर भी बिना कुछ बोले चला गया, मतलब उसका विश्वास भी दी से हट गया है। मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज ट्रस्ट मी। माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। अरे जोर जोर से चिल्लाने से तेरा झूठ सच नहीं साबित हो जाएगा, तू चोर है, तू चोर है। चल यहाँ से मेरे साथ, चल। चल तू मेरे साथ। मामा, मेरी बात। मामा क्या?
मेरा भरोसा कीजिए प्लीज, मुझे उन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोचिए अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो वो तो मैं डिवोर्स के थ्रू भी ले सकती थी ना, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने ऐसे तो नहीं क्यों? कोई एक वजह बता मुझे, कोई वजह है जो मैं तुझ पर भरोसा करूं? सोचा था तेरे डिवोर्स के बाद तो सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, गलत थी मैं। कितनी उम्मीदें रखी थी तुझसे मैंने और तेरे दादा ने क्या क्या सपने देखे थे तेरे बारे में कि एक दिन तू बड़ी होकर के हमारा सर घर से ऊपर करेगी, पर नहीं, आज तो शर्मिंदा कर दिया तूने मुझे। क्या बनी तू? चोर? चोर ना? मां मैं चोर नहीं हूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैंने चोरी नहीं की है? बंद कर तेरा ये ड्रामा पूजा, बंद कर। आज जब सब तेरे खिलाफ है तब भी कबीर तेरे साथ खड़ा है। तुझे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका दिल कितना दुखाया है तूने। अब यकीन हुआ तुझे कि तू कितना गलत था पूजा के बारे में? वो बिल्कुल नहीं बदली, जितनी बददिमाग पहले थी उतनी ही आज भी है, और लालची भी। कबीर, मुझे पता है कि तुझे बुरा लग रहा है कि तू गलत था। अरे तूने तो उस लड़की से शादी कर ली ताकि तू उसे सुधार सके, पर मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि पूजा बुराई के रास्ते पे इतनी दूर तक जा चुकी है कि अब इसे वापस लौटाना संभव ही नहीं है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और फंस गया इस झमेले में। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है कि तूने डिवोर्स के पेपर साइन कर दिए। कुछ दिनों में हमें इस लड़की से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, और कभी एक बार जब ये लड़की तेरे जीवन से चली जाए ना, उसके बाद तू सब कुछ भूल कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना, नए सिरे से सोचना कि तू अपनी जिंदगी के साथ क्या करने चाहता है, और मैं तुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी, इसलिए तू इस बार वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगी, समझा? कबीर, पैसे के बारे में क्या करेंगे? इतने सारे पैसे हम यूं ही तो गवा नहीं सकते। क्या सोचा है तूने इसके बारे में? वो पैसे तो वापस आ जाएंगे, पैसे तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा, पर ये वादा करता हूं मैं आपसे, कबीर मैं जानती हूं तुम्हें लगता है मैंने पैसे चोरी किए, तुम्हें भी यही लगता है ना, तुम्हें भी मुझ पे शक हो रहा है, तुम्हें लगता है that I'm the thief, तुम्हें लगता है बाकी सब सही और मैं गलत, यही लग रहा है ना तुम्हें भी? आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है पूछ? मासूम होगी और सबको ये लगेगा कि तुम इनोसेंट हो। तुमने बाहर आंसू बहाए ना, आपने बहाए ना आंसू, किसी ने माना कि तुम इनोसेंट हो? माना किसी ने? सबको ये लग रहा है ना कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने पैसे चुराए? तो फिर अब रोना बंद करो पूजा, इसके बाद ना आंखों से आंसू नहीं करने चाहिए तुम्हारे, सुना तुमने? आंसू नहीं, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि आखिरकार ये किया किसने, इस तमाशे के पीछे है कौन आखिर? मत करो। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझे लगा तुम भी बाकी सबकी तरह। नहीं पूजा, मैं एक सेकंड के लिए भी ये नहीं मान सकता था कि ये पैसे तुमने चुराए हैं। अगर तुम खुद पूजा मुझसे बोलती ना कि पैसे तुमने चुराए, तब भी नहीं मानता, इतना भरोसा करता हूं मैं तुम पे पूजा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।